त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तृतीय पर्यायर आज आम आसी पहुँचीचु नवरंगपुर केसरीगुड़ा बूथ में पहुँची सीधा सड़क मो कैमरामैन को अनुरोध करी को भाया दृश्य देखे जे लंबा लाइन रे महिला भोटर्स मैंने ढड़ा दीर्घ समय धरी से अपेक्षा कर जो पांच वर्ष थे जो सुजोग मिले से जो यो गणतंत्र महापर्व सामिल हाँ जो सुजोग मिले महिला मैंने आप देखिपे को भाया भाव में लंबा लाइन में ढड़ाई जे से पांच वर्ष जो प्रार्थी को बाछबे और से प्रार्थी जो भाग्य निरूप करिबे भाग्य निर्धारण करिबे से दृश्य आपण माने देखि परथुबे ए होची केसरीगुड़ा बूथर दृश्य आमे सीधा सळक आपण सहित किछि वोटर को सहित जोगाजोग करिबु वोटर को सहित जोडी होबु सीधा सळक तांकर प्रतिक्रिया नबा कोन कहिबे आज्ञा पांच वर्ष को थोरे सुजोग मिले आपण मानकु वोट दबार जो सुजोग मिले ए जो गणतंत्र रो महापर्व पांच वर्ष रे आपण माने जो प्रार्थी को चयन करिबे तार कोटिना कोठी भाग्य निर्धारण करिबे ताकु ने आपण केमिति देखछु आमर पांच वर्ष को आम मौलिक अधिकार जोटा कि आज आम लाइन में ठिया होकर भोट देवा आसीचु समस्ते आगामी दिन में जमी गोटे आम प्रार्थी गोटे बाछू जी कि आम रास्ता कम आम घर का घर कम सब जिंदगी आगामी दिन में से आम जहाँ जितेबू से करूँ से आम आम अधिकार आम भोट देवाई आज लाइन में ठिया होकर भोट दूचु कते एक्साइटमेंट अच्छा आप पांच वर्ष को थोड़े सुजोग मिले आपण अधिकार को लेकिन आप उचित जो प्रार्थी अच्छा विजय मुकुट कौटी पिंधे बोले आप आशा बांधिक भोट देवाक आप कमी देखुं बहुत खुशी अच्छा आम जहाँ भोट देवु सी का सका आम उन्नति चिंता करमती लोक को आम बाछीचु आगामी दिन आप जहाँ शुणुले जो पांच वर्ष को थे जहाँ सुजोग मिले से जो अधिकार रही कि भोट देकी से जो प्रार्थी थे उचित प्रार्थी को भोट देकी से विजय मुकुट पिंधे बोल से कही आज जो भोटर्स अच्छा सीधा साल प्रतिक्रिया ना सर कौन कहे आप जो दीर्घ समय धरिक लंबा लाइन में ढड़ाई से ही समय को अपेक्षा करीर्घ पांच वर्ष धरिकी आप अंचल विकास करने जो प्रार्थी को आप चयन करेंगे आज जो प्रार्थीपाई आज भोट देवाक आते एक्साइटमेंट अच्छा पंचायत रल उन्नति करने भल प्रार्थी को आम बाछबू पांच वर्ष थे भल कैंडिडेट गोटे देखकर बाछबू कौन कौन सब आशा नहीं कि आप गाँव रास्ता घाट भल टे उन्नति करब से कैंडिडेट को आम भोट दबु निहाँ भाव जी गाँव उन्नति कर गाँव रे विकास कर अंचल जी विकास कर आम आप सीधा सड़क से दृश्य देखेबू बूथ मध्य केमती का मतदान सब चली मतदान प्रक्रिया चलती कौ भाया भाव में व्यवस्था सब कर आम सीधा सड़क जोड़ीबा यूर जो प्रेजिडिंग अफिसर जी अच्छा सहित सीधा सड़क जोड़ीबा सार कौन कहे कौ भाया भाव में जो व्यवस्था कर भोटर मतदान जो भोटरदाता अच्छा से मैंने कौ भाव में आस बुझे यू सेंसिटिव बूथ कि नहीं विषय में कौन कहे और सुरक्षा विषय में कौन कह सर ये देखो सका आज सत्यार आरंभ होमर भोटर भाई भाई आसिक सीधा सड़क गहली आसिक कोविड गाइडलाइन अनुसार से मैंने निजर कोविड नियम पालन करके भोट देवा सुरखुरी चलते मोर एजेंट भाई मान को बहुत बहुत धन्यवाद देवी एवं आसुवा आमर कैमेरा भाई लाइव भाई मान को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करुच्छे सुरखुरी तो बर्तमान चली जेहेतु आज्ञा गोटे पटे जो कोविड समय चलती महामारी समय रे केमती सचेतन कराँ भोटर मानक भोटर मान आसिक जो भोट दौंटू आपति सचेतन करूँ गाइडलाइन को कमी मना सर गाइडलाइन तो आम मनाऊ धाड़ी आसुँचा दूरता रक्षा कर दूरता रक्षा कर सानिटाइजर व्यवहार करोर जिते भाई भाई मैंने अच्छा एजेंट भाई भाई एवं भोटर भाई भाई मुझे बहुत बहुत कृतज्ञता देवी एवं मीडिया भाई मैं बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊे बूथ में कते जन पोलिंग पार्टी रही कते जन नियोजन कर पोलिंग पार्टी आम तीन जन अच्छु प्रिजाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट पोलिंग सेकंड पोलिंग अच्छा आप देखुले कि जो आम प्रेजाइडिंग ऑफिसर सहित थिलु जहाँ कि वर्तमान जो कोविड समय चलती महामारी समय रे जो भोटर मान सचेतन सामाजिक दूरता अवलम्बन करी से भोट दिजापी कौन मुहर मास्क लगे आसपापी कहते अंपटे जहाँ व्यवस्था रही तीन जन
ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିର ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଟର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟ୍ କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପ୍ରେଜିଡିଂ ଅଫିସର କହିଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବି କି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖେଇବି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପୋଲିଂ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର୍ସମାନେ, ଭୋଟର୍ସ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟର୍ସମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେଶ୍ରୀଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେଜିଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଯାହା କହୁଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।